हेलो फ्रेंड्स, प्रभा मेकओवर में आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं स्टेप विद लेयर कट। हाँ तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कट। हमेशा जब भी हम कट करते हैं स्टेप विद लेयर में भी नीचे से बिल्कुल एकदम लास्ट, क्योंकि हर क्लाइंट को ये ज़रूरत होती है कि उसको लेंथ बिल्कुल कम नहीं चाहिए, तो कम से कम हमें लेंथ देनी है। अगर हमारा क्लाइंट कहता है मुझे 3 इंच 4 इंच बाल कम करने हैं, तो आपको इतने ही काटने हैं जितने आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल माइनर, बस हमारा एंड कट जाए। और इसे हम करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। दोस्तों, कभी भी आपको कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी बिना आपको स्टेप कट डायरेक्ट नहीं देना है। आप हमेशा गाइडलाइन को लेकर साथ चलें और हमेशा सेक्शन निकाल कर ही कट दें, और ध्यान रहे कि आपका सेक्शन भी एकदम क्लियर हो। मैं भी 35 साल से काम कर रही हूँ, 32 साल तो मुझे यही हो गए, तो मैं कभी भी आज भी मैं हर कटिंग सेक्शन निकाल के ही करती हूँ। तो नीचे की जो हमने स्ट्रेट गाइडलाइन लिया, उसी के साथ में, उसी को गाइडलाइन लेते हुए हम नीचे, बिल्कुल नीचे माइनर में स्टेप देंगे छोटा सा। आप ध्यान से देखिए कितने कम बाल और कितने थोड़े थोड़े बाल कट रहे हैं, लेकिन सेक्शन वाइज आप कट करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथ भी कम नहीं होगी और बहुत अच्छे से कट भी आ जाएगा। आपके फिंगर में, दोनों फिंगर से बालों को लेकर के, और अपना कॉम्ब भी हाथ में रखना है, और आपकी सीजर भी, कोई भी चीज़ आपकी इस साइड या उस साइड नहीं रखनी है। बार बार ध्यान से देखिए मैं सीजर कैसे पकड़ रही हूँ और किस तरीके से कॉम्ब को साइड में फिट कर रही हूँ, इसी तरीके से। अब अपना एंगल थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे, उसी लाइन को गाइडलाइन लेते हुए हम सारे बालों को कट करेंगे। लोग कहते हैं 3 स्टेप कट, ये 3 स्टेप कट नहीं होता, हम एक सेक्शन में 3 स्टेप हो जाते हैं हमारे, क्योंकि हम उसको पहले नीचे, फिर मिड में, और फिर थोड़ा सा ऊपर लेकर कट करते हैं, तो एक ही बार में हमारा 3 स्टेप कट आ जाता है एक ही लेयर में, क्योंकि हमने नीचे के बालों में बाउंस दिया है। अब दोबारा सेक्शन जब हम निकालेंगे तो उस बालों में देंगे। देखिए ये मैंने ऊपर कट दिया है, पहले मैंने नीचे दिया था, तो एक तरह से अगर हम देखें तो एक ही बार की उसमें हमारे 3 स्टेप कट आ जाते हैं। अब हमने सेक्शन निकाला है अपने कान तक का, दूसरा क्लियर एकदम। देखिए कान तक का सेक्शन मैंने फिर दोबारा से पीछे किया है, आगे का बिल्कुल अलग किया है, क्योंकि स्टेप विद लेयर देने वाले हैं हम इसमें, और बहुत पतले बाल हैं हमारे क्लाइंट के, तो हमें बहुत ध्यान से उसके बालों को कट करना है कि उसकी लेंथ भी कम ना हो और उसे बहुत अच्छा सा बाउंस मिल जाए। हमने थोड़े से बाल ही पीछे की तरफ लिए हैं। अब हमने जो नीचे का लास्ट सेक्शन हुआ था उसी को अपनी गाइडलाइन लेते हुए हमेशा कट को मिड से स्टार्ट करें। देखिए हमारे नीचे के सारे बाल ऑलमोस्ट नीचे छूट जाते हैं ऊपर के कट के हिसाब से, जो हमारा लास्ट है उसी के हिसाब से। बालों को हमेशा गीला करके काटें, ये बात हमेशा ध्यान रहे कि आपके बाल काफ़ी गीले होने चाहिए कट के साथ, तो हमारा कट बहुत आसानी से, बहुत स्मूथ, और बहुत एक भी बाल आपका अंदर नहीं रहेगा। ये देखिए कितने कम बाल हैं और मैं कितने अच्छे से इनको कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। इसी तरीके से हमने सारे बाल, जैसे हमने इस साइड किया है, सेम उसी साइड बैक में ही खड़े होकर के आपको बाल कट करना है। डायरेक्शन एक जैसी रहे तो ज़्यादा बेटर रहती है। क्योंकि एक तरह से हमारा हर स्टेप एक तरह से यू में आ जाता है, जैसे यू कट होता है ना आगे की तरफ से, अगर हम बिल्कुल बीच में एक ही साइड में लेके काटेंगे तो हमारा वो स्ट्रेट में आ जाएगा। ये जो हम स्टेप लेते हैं हमारे यू में आ जाते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर है उसी डायरेक्शन में लेकर के उसको ऊपर लेना है। ये इस खास तौर पर ध्यान रखो स्टेप कट में। देखो अब मैंने सारे बालों को कटिंग कर ली है, अब इनको मैं एक बार चेक कर रही हूँ। आप ध्यान से देखो मैंने पूरे बालों को लेकर ऊपर की तरफ लिया है कि कहीं कोई भी बाल एक रह गया हो तो वो आ जाए। ये बीच के बाल, ऊपर भी सेक्शन अलग दिखाई देता है और नीचे भी, तो बहुत अच्छे से आप उसको लें और बहुत आराम से करें। बहुत ध्यान से अगर कट करेंगे तो इसी कट में और बहुत अच्छे से फिनिशिंग में आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। बालों को हमेशा गीला करके कटिंग करें, बाल हमेशा क्लीन होना चाहिए स्टेप कट के लिए स्पेशली। अब मैंने लास्ट वाले बालों को भी लिया है,
और इन बालों को भी लास्ट गाइडलाइन के साथ ही मैं ऊपर लेकर कट कर रही हूँ। ध्यान से देखिए आप दोस्तों, जो मेरा इतना लॉन्ग बाल कट रहा है ये सिर्फ ऊपर का स्टेप है, नीचे के बाल हमारे एज इट इज़ लंबे हैं, मैंने बहुत ही कम काटे हैं। मेरे क्लाइंट ने बोला था उसे 3 इंच 4 इंच कम चाहिए और मैंने देखा था उसी गाइडलाइन के हिसाब से मैंने कितना कम काटा है, क्योंकि हमेशा जितना क्लाइंट बोलता है उससे हमेशा कम काटें ताकि आपके पास एक ऑप्शन रहे उसको शॉर्ट करने का। अब देखिए मैं आगे की गाइडलाइन खोलूँगी, ध्यान से देखिए। ये हमारे हमेशा जब भी हम पीछे से, कभी भी ये ना सोचें कि हमने स्टेप कर दिया तो आगे नहीं, आपको आगे से शेप देनी है। मेरे क्लाइंट ने बोला था उसको आगे से फ्रिंचेस चाहिए नोज से ऊपर, लेकिन मैंने नोज से कितना नीचे लिया है कट, और बहुत सिंपल हमें उसी गाइडलाइन के हिसाब से लेयर कट देना है। जब भी हम स्टेप करते हैं कभी भी आगे से ऐसे ना छोड़ें स्टेप के साथ कि आगे बिल्कुल हमारा लॉन्ग आ रहा है, पीछे स्टेप आ रहे हैं कि नहीं, इसमें तो ऐसे ही होता है। आपको अगर लेयर नहीं करना है किसी का तो कम से कम उसका यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा लुक देता है। हमेशा तो हर लोग ड्रायर करा के रखते नहीं है रोज़ाना ऐसे ही, तो आपकी कटिंग में उतनी जान होनी चाहिए कि उसको ड्रायर कराने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। दोस्तों बहुत ध्यान से कट को करें, हेयर एक बार कट गया तो बहुत मुश्किल होता है, कम से कम 2 महीने 3 महीने में उतनी उसकी लेंथ आती है, तो आप बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से और बड़े ध्यान से कट को करें। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और मैं क्लासेस शुरू करने भी जा रही हूँ, तो मेरी क्लासेस शुरू हैं 5 डेज़ की 10 डेज़ की मेकअप की। आप लोगों को कोई भी चीज़ मुझसे सीखनी हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में ही क्लासेस देती हूँ, दिल्ली में ही मेरा पार्लर है, मैं एक ही जगह पर 32 साल से पार्लर चला रही हूँ, तो मेरे हर काम में मेरा एक्सपीरियंस आपको नज़र आता भी होगा। अब मैंने लेयर्स दिए हैं, आप ध्यान से देखिए पीछे के बालों को गाइडलाइन लेते हुए आगे की तरफ, ये देखिए ये जो हमारा बाल बड़ा हुआ आ रहा है इसको मैंने एकदम से काटा है। हमेशा एक ही लेयर को 2 बार चेक करें जैसे मैंने दिया है, कटिंग के साथ ही अगर आप चेक करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए आगे की तरफ लेंगे ना हमें, ये देखिए थोड़ा सा बाल आया, ऊपर गाइडलाइन अलग है नीचे अलग है, तो हमें उसके मिड के हिस्से को हम लेयर के पार्ट को कहते हैं, लेयर आ गया उसमें ना, ये देखिए। इसी तरह से सेम दोनों ही प्रोसेसर में आगे की तरफ लेंगे, अगर हम लेयर देते हैं तो हमेशा आगे की तरफ बाल लें, ये देखिए इस तरह से। लेकिन एक बात हमेशा ये ध्यान रखनी है दोस्तों कि हमें बाल बहुत ज़्यादा पहली बार में ही नहीं काटने हैं, हम अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काटेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन हेयर हैं मेरे क्लाइंट के और उन्होंने मुझे स्पेशली बोला है कि उन्हें बहुत अच्छा बाउंस चाहिए। देखिए तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा आता है गाइडलाइन के बीच में कट, क्योंकि हम आगे से रेज़र दे चुके हैं तो उसी हिसाब से जब अब हम लेयर देते हैं तो हमें ये कट देना पड़ता है इस तरह से। देखिए कितना आसान है, और आपको बिना ड्रायर के बिना सेटिंग के भी आपका कट बहुत खूबसूरत नज़र आएगा, क्योंकि रोज़ तो सेटिंग कर नहीं सकते ना, एक दिन आप सेट करके भी क्लाइंट को भेज दोगे लेकिन नेक्स्ट डे। अब देखिए हमने पार्टिंग किया है मिड से, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने बोला मुझे फ्रिंचेस भी चाहिए आगे से, उसको प्रॉपर अपना लुक चेंज करना है, बहुत शॉर्ट फ्रिंचेस आजकल बहुत चल रही हैं। जिस तरह से साधना कट होता है फ्रिंचेस उस तरह की होती हैं, लेकिन हम एकदम प्रॉपर साधना कट नहीं देंगे, उनको आई से नीचे रखेंगे कम से कम। मैंने आपको बताया ना कि अगर बाल लंबे हों तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, लेकिन अगर हम पहले ही कट कर देंगे तो फिर बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ को। जो लेयर हमने काटी है उसके बिल्कुल जस्ट नीचे थोड़ा सा बड़ा और लें, ताकि अगर वो क्लाइंट बालों को मूव करे तो बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट आए। ये देखिए मैंने साइड में कर दिया, ये बहुत अच्छा लुक, इसके फोरहेड के लिए भी बहुत अच्छा है, और मेरी क्लाइंट काफ़ी खुश थी, उसे बहुत अच्छा लगा। एक बार दोबारा से चेक किया मैंने सारे बालों को, कहीं से कोई चीज़ नज़र ना आए, क्योंकि हमेशा ड्रायर नहीं कर सकते ना, तो आप अपने बालों को बहुत अच्छे से चेक करें। अब देखिए दोस्तों हमें स्टेप कट लेना है, लेयर हमने आगे कर दिया बट हमारा पीछे स्टेप है, तो हम हमेशा
क्राउन एरिया को वो दोबारा से लेंगे। जब हम क्राउन एरिया को उठाएंगे तो ध्यान रखें कि हमारे पूरे ही क्राउन एरिया के बाल आएँ, ऊँचे नीचे ना आएँ, जैसे मैंने लिया है, मेरी उसमें दिखाई भी दे रहा है आपको किस तरीके से लिया है। और एक साथ बालों को लेंगे, आगे पीछे लेयर स्टेप सबको, और हम बिल्कुल ऊपर लाकर एक ही उसको फिर इक्वल करेंगे। ये देखिए जितने भी बाल हमारे एक्स्ट्रा हैं किसी भी साइड के, जैसे हमारा इस साइड का स्टेप ज़्यादा कट गया, उस साइड का कम कट गया, तो हम क्राउन एरिया को इस चीज़ से बिल्कुल एकदम इक्वल लुक दे सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से और बहुत, और आप देखिए बाउंस कितना अच्छा आया उसके बालों में, बहुत लेंथ भी कम नहीं हुई। आप उसके बाल भी देखो, विदाउट ड्रायर भी कितना मस्त कट है उसका। एक बात और दोस्तों, जैसे हमने आगे लेयर दिए हैं, इसी तरीके से हम स्टेप में एक बार इस कट में हमेशा पीछे की तरफ चेक जरूर करेंगे, जैसे मैंने दिया है। ये देखिए जैसे हमने आगे की तरफ कट किया है उसकी गाइडलाइन को लेकर, इस तरह से हम पीछे भी करेंगे। और ये कट हम ध्यान रहे कि हम दोनों साइड से बैक में ही करके करें, ये ना हो कि एक बार को आगे कर दिया, एक साइड से पीछे कर दिया, ऐसे कभी नहीं करना। आपको बहुत ध्यान से कट देना है। ये देखिए गाइडलाइन से देखिए इस साइड कितने बड़े बाल थे। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने वाली होती हैं कटिंग में स्पेशली। अब ये दोनों साइड से मेरे बाल एकदम इक्वल हो गए हैं और बहुत मैंने लेंथ कम नहीं की है, मेरा अच्छा खासा बाउंस आया है। और बस अब हल्का सा मैंने लेंथ को बहुत मामूली सा, जो हमारा बाल ऊंचा नीचा है हल्का सा, उसको हल्का सा इक्वल किया है। क्योंकि जब भी हम स्टेप विद लेयर करते हैं तो उसमें यू ऑटोमेटिकली आ जाता है स्टेप में। देखिए मैंने जब गाइडलाइन ली थी तो मैंने स्ट्रेट किया था, अब अपने आप ही यू आ गया। तो ये स्टेप कट करने का प्रोसेसर है। और देखिए बहुत थिन हेयर में बहुत अच्छा। एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप ड्रायर चलाते हैं तो कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं चलाएं, हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें और ऊपर से दें, इससे बाल कभी भी डैमेज नहीं होते, नहीं तो बहुत पास ड्रायर चलाने के साथ डैमेज हो जाते हैं। देखिए मैंने पूरे बालों में से उनको सुखा दिया अच्छे से, और कितना अच्छा लुक। और मैं एक ही बार में इनकी सेटिंग करूँगी ड्रायर से, क्योंकि हमें स्पेशल सेटिंग नहीं करनी है, हमें जस्ट कटिंग के साथ उसको लुक दिखाना है कि वो कैसा। मैंने ब्रश में बाल लिए एक ही बार में। ये देखिए जब हम कटिंग के साथ ड्रायर करते हैं तो वो अलग होता है, और स्पेशल ड्रायर करते हैं तो वो अलग होता है। तो मैंने कटिंग के साथ लाइट सा ड्रायर दिया है ताकि उनको एक शेप पता चल जाए। देखिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका कट अच्छा है तो आपको ड्रायर करने में भी बहुत आसानी होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे कट को ध्यान से देखते रहिए, आपको एक बार समझ नहीं आता दो बार देखिए, तीन बार देखिए, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और आप अपने पार्लर में, छोटी जगह पर जहाँ भी आपके पार्लर्स हैं, आप नहीं सीख सकते, नहीं आ सकते, प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसे सीख सकते हैं। और अगर आप मेरी क्लासेस लेना चाहें तो मेरी क्लासेस भी ले सकते हैं, मैं कटिंग की क्लासेस भी देती हूँ। आप जो भी मुझसे काम सीखना चाहें, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशली दिल्ली आना पड़ेगा। 5 डेज़ की क्लास, 10 डेज़ की क्लास, 1 मंथ की क्लास, जैसे भी आपको सूटेबल हो, जो काम सीखना चाहें तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा भी काम आता है तो आप इससे भी काफ़ी हद तक सीख सकते हैं। ये देखिए आगे आप पूरे प्रॉपर बालों में बाउंस, ये इसका फिनिश लुक है। मेरी क्लाइंट काफ़ी खुश थी और मैंने बहुत अच्छे से उसकी सेटिंग नहीं की है। आप दोनों साइड से उनके पहले के और अब के बाल देख सकते हैं, उनका लुक देख सकते हैं आप। तो अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी नई कटिंग आपको सीखनी हो कोई भी, तो उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कटिंग्स की वीडियो भी लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।